गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद उजाला। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अगेन मीशो हॉल। एंड मीशो की मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन लिए हैं। इसमें कुछ ट्रेंडी आउटफिट भी है एंड कुछ विंटर से रिलेटेड भी है, क्योंकि विंटर है, नाइट सूट आपको चाहिए। नाइट मीशो पे ना बहुत ही कोजी नाइट सूट, फ्लीस वाले नाइट सूट मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। एंड मैं भी कुछ नाइट सूट मीशो की है जो डेली यूज़ में पहनती हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। अभी इतनी ज़्यादा ठंड है दिल्ली में, फिर भी मैं मीशो की नाइट सूट पहन लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। सीरियसली अगर बाहर जाओ ना, थोड़ी सी इनर पहन लो, उसके ऊपर पहन लो, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तो ये सारे आउटफिट आपको मीशो पर मिल जाएंगे। मीशो की कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड रीसेलिंग प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। ओके, एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टा हैंडल है ग्लैम विद उजाला। वहाँ मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट डालती रहती हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे, रील्स डालती रहती हूँ जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो यही सारी कुछ बातें आपको बतानी थी, कुछ इन्फॉर्मेशनल बातें बतानी थी आपको। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आउटफिट से। तो फर्स्ट मैंने नाइट सूट ही बोला था, नाइट सूट ही दिखाऊंगी फर्स्ट में। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पैक होकर आई थी। एंड सीरियसली बताऊँ, मैंने इसे पहन के भी देख लिया कि ये वॉर्म है या नहीं, एंड ये बहुत ज़्यादा वॉर्म है। ये नेवी ब्लू कलर में है, ये आप देख सकते हो। ये मैंने साइज जो लिया ना वो एम साइज़ है। ओके, इस पर एक्सल लिखी हुई है, बट इसके लिखे हुए पे बिल्कुल भी मत जाना, ये बहुत ही झूठ फैलाते हैं। ये साइज़ कुछ भी लिख देंगे और सेंड कुछ भी कर देंगे। तो ये बिल्कुल एम साइज़ है, एक्सल वाले आप समझ ही सकते हो कि ये एक्सल साइज में बिल्कुल भी नहीं है। इस पे फ्लेमिंगो बनी हुई है, फ्लावर्स बने हुए हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी वॉर्म है। इसे आप ले सकते हो पहनने के लिए। इसके साथ आपको लोअर भी मिल जाएगी नीचे की, ये आप देख सकते हो। इसमें पॉकेट नहीं मिली है, जो कि बहुत गलत बात है, पॉकेट होनी चाहिए, बट कोई नहीं, ये वॉर्म काफ़ी ज़्यादा है। और इस पर भी सेम आपको फ्लेमिंगो एंड ये लीफ की पैटर्न मिल जाएगी। लुक काफ़ी अच्छी है इसकी। तो इसकी कोड डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये बहुत ही सुंदर पाकिस्तानी सूट है, ग्रीन कलर में है एंड ये काफी ट्रेंडी। इसे आपको देख करना एक गाना याद आएगा। तो चलो दिखा देती हूँ आपको। तो ये आप देखो, मॉडल की भी इमेज, जो फेमस मॉडल है उसकी इमेज लगाई हुई है एंड सेम वैसी ही ये सूट है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। और इस पर ना मैं बता दूँ आपको, पर्ल के वर्क है। ओके, ओपन करके दिखा दूँ, पैकेजिंग आप फर्स्ट देख लो, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। और सो ये आप देख सकते हो मॉडल की इमेज। ओके, इसमें आपको दुपट्टा मिल जाती है कुछ इस तरह की, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर आपको थ्रेड वर्क मिलेंगे, काफ़ी सुंदर, ऑरेंज रेड ग्रीन एंड गोल्डन कलर की थ्रेड वर्क मिल जाएगी पूरे दुपट्टे में, ये आप देख सकते हो। दुपट्टे की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और सूट की बात करें तो ये फुल्ली अनस्टिच आई है, स्टिच नहीं आई है, इसे आपको स्टिच करवानी पड़ेगी। एंड इसमें जो है ना, आपको ये आप देख सकते हो, इनर एंड बॉटम का फैब्रिक दिया गया है, ये आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ ये कितनी लेंथ होगी, लेंथ आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो गई, आई थिंक वो 1 मीटर हो गई। ओके, ये 2 मीटर, 4 मीटर से आपको थोड़ी ज़्यादा ही मिल रही है इसकी लेंथ। तो आपको ईजिली इनर भी बन जाएगी एंड बॉटम भी बन जाएगी। तो मैं आपको दिखा दूँ, सूट बहुत ही खूबसूरत है। ओके, सो ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरह की आपको सूट मिलती है। इसके ऊपर पर्ल के वर्क है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर वर्क है, और इस पर भी आपको थ्रेड वर्क मिलेंगे, जरी वर्क मिलेंगे। एंड ये आप देख सकते हो बॉटम कुछ इस तरह की, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको फुल स्लीव्स मिल जाती है, स्लीव्स पे भी आपको काफ़ी अच्छे हैंडवर्क मिल जाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसी डिस्क्राइब थी ना बिल्कुल वैसी, बिल्कुल आपको पहन के ना डांस करने का मन कर जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड आप लेते हो ना मेरे साथ, इसकी रिव्यू जरूर शेयर करना, आपको बहुत पसंद आएगी इसकी, मैं गारंटी लेती हूँ लिख के। ओके, तो चलो इसकी कोड डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करना। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये एक गाउन है और इसकी जो कलर है ना वो इतनी प्रिटी है कि मैं क्या बताऊँ। लैवेंडर में है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है इसका, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है।
कि जो पैंट है ना वो आप देख सकते हो स्टिच आई है, एंड पैंट की जो बॉटम है, पैंट की बॉटम में आपको वर्क मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो सीक्वेंस के वर्क मिल जाते हैं। एंड इसकी इलास्टिक काफ़ी स्ट्रेचेबल है, इसमें आपको इंटरलॉकिंग नहीं मिलती है, क्रेप फैब्रिक में आपको पैंट मिलती है। और इसकी दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हेवी वर्क में है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की दुपट्टा है, सी नेट की दुपट्टा है, एंड इसके ऊपर काफ़ी अच्छे वर्क है। साइड में आपको इस तरह की जो सूट में कपड़े लगे हैं ना उस कपड़े पे वर्क है, एंड पूरे दुपट्टे पे आपको सीक्वेंस के वर्क मिलेंगे, ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है, ये आप देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल ब्राइडल गाउन जो इसका नाम दिया गया है ना, परफेक्ट है, बहुत ही प्यारी लगेगी ये गाउन है ना। ये फ्री साइज में आई है, मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह की है। फ्रंट में आपको बहुत ही हेवी वर्क मिलेंगे, हैंड वर्क मिलेंगे या सीक्वेंस के वर्क मिलेंगे, बहुत खूबसूरत लग रही है। एंड स्लीव्स आप देख सकते हो 3-4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी आपको सेम सीक्वेंस एंड थ्रेड के वर्क मिलते हैं दोनों ही साइड में, ये आप देख सकते हो। एंड इसकी जो वेस्ट लाइन है ना यहाँ पे आपको डोरी मिलती है, ये आप देख सकते हो इस तरह की डोरी आपको दोनों ही वेस्ट में मिल जाती है। और पूरी गाउन पे आप देखोगे ना तो आपको बहुत ही प्यारे सीक्वेंस के वर्क मिलेंगे कुछ इस तरह की, ओके बॉटम में भी मिल जाती है, एंड ये बैक साइड में भी मिलती है आपको, आप देख सकते हो, देख सकते हो आपको बॉटम में भी सेम वर्क मिलता है, बॉटम एंड फ्रंट दोनों ही सेम है, बस ऊपर की जो पोर्शन है ना ये बैक में प्लेन है, एंड फ्रंट में आप देखोगे तो इसमें आपको वर्क मिल जाएगी। जॉर्जेट फैब्रिक में है तो इसमें आपको इनर की फैब्रिक भी लगेगी, तो इनर की फैब्रिक ना थोड़ी डार्क दी गई है, ग्रे कलर में दी गई है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है, इस वजह से इसकी कलर थोड़ी सी डार्क भी लग रही है। और इसकी सिलाई की बात करें तो इंटरलॉकिंग नहीं है, आप चाहो तो इंटरलॉकिंग करवा सकते हो, बट कलर इसकी काफ़ी खूबसूरत है, तो इसे भी मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, इसे आप जरूर ट्राई करना, ओके। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये वेलवेट की आउटफिट, एंड वेलवेट अभी कितनी ज़्यादा ट्रेंड में बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन आ रखे है वेलवेट की, जहाँ देखो वहाँ वेलवेट वेलवेट वेलवेट, या मतलब ऐसा हो गया ना कि अभी ब्रांडेड आउटफिट आप देखने जाओ ना उसमें भी आपको वेलवेट की कलेक्शन दिख ही जाएगी। लास्ट मैंने लिवास की वीडियो डाली थी, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन थे, एंड ट्रस्ट भी मैंने बहुत इग्नोर किया था वेलवेट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें वेलवेट के कलेक्शन भी थे, लेकिन जो मैंने दिखाया था ना वो काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी अच्छे पीसेस थे। अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगी, ओके। सकते नेक्स्ट है ये गाउन, ये वेलवेट की है, बहुत ही खूबसूरत है, ओपन करके दिखाती हूँ पहले। सो ये आप देख सकते हो इसमें आपको पर्पल कलर की दुपट्टा मिलती है, पूरी गाउन एक्चुअली पर्पल कलर में ही है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, और इसके ऊपर सीक्वेंस के वर्क है, जरी वर्क है, लुक वाइज तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी, 2.5 मीटर इसकी लेंथ है, एंड इसके ऊपर सीक्वेंस एंड जरी के वर्क है, ओके। और इसकी जो पैंट है ना वो मैं आपको दिखा दूँ, पैंट जो है ना वो प्लाजो दी गई है, और ये आप देख सकते हो ये भी वेलवेट में है, पर्पल कलर में है, एंड बॉटम में आपको जरी वर्क मिलते हैं फ्रंट एंड बैक दोनों में, ओके। इसकी इलास्टिक की बात करें तो इलास्टिक काफ़ी स्ट्रेचेबल है, नो डाउट, एंड काफ़ी अच्छी इंटरलॉकिंग भी मिलती है आपको। गाउन आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पर्पल कलर में है, एंड फ्रंट में आपको बहुत ही हेवी वर्क मिल जाएंगे, और ये हेवी वर्क जो है ना ये जरी एंड सीक्वेंस वर्क दी गई है, और स्लीव्स पे भी आपको काफ़ी अच्छे वर्क मिलते हैं, ये आप देख सकते हो स्लीव्स पे भी आपको सीक्वेंस एंड जरी के वर्क मिलते हैं, लुक इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड आप गाउन देखोगे इसकी घेर बहुत ही ज़्यादा है, फ्री साइज में है ये, और घेर आप देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घेर है इसकी, और इसकी वेस्ट लाइन भी आप देख सकते हो, ओके सी वेस्ट कुछ इस तरह की है, एंड इसकी जो बॉटम है ना इसमें आपको थोड़े से कैन कैन भी मिल जाएंगे, छोटे वाले कैन कैन, ये आप देख सकते हो, जिस वजह से इसकी घेर काफ़ी अच्छी बनेगी। मॉडल की इमेज देखकर मैं फ्लैट हो गई थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। और इसकी जो इनर की पार्ट है ना उसमें आपको इनर का कपड़ा नहीं मिलता है, जो अपर पोर्शन है ना बस्ट एरिया वहाँ आपको इनर की फैब्रिक मिलती है, इसकी इंटरलॉकिंग भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, ये आप देख सकते हो, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हाईली रेकमेंड करूँगी, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। साइड में मैं आपको ट्राई ऑन भी दिखा दूँगी, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी ये कैसी लगने वाली, ओके। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको रील्स देखने को मिल जाएंगे इसके, ओके। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस हॉल की बेस्ट आउटफिट, मुझे बहुत पसंद आई, और ये कौन सी साइज है भैया, एल साइज है, ओके okay? ये एल साइज में आई है, मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ, ये भी ब्लू कलर में है, मॉडल की इमेज आपने देख लिया होगा,
और दुपट्टा आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, एंड इसकी साइड्स में ना आपको गोटा पट्टी मिलेंगे। ओके, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी बट विड्थ ज़्यादा नहीं है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बॉटम। बॉटम में आपको पैंट मिलती है और बहुत ही खूबसूरत बॉटम है ये, आप देख सकते हो। बॉटम की जो बॉटम है उसमें आपको जरी वर्क मिलते हैं फ्रंट एंड बैक दोनों में ही। इसकी इलास्टिक की बात करें ना तो काफ़ी स्ट्रेची है एंड इसमें इंटरलॉकिंग भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। ओके, जो कुर्ती है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। फ्रंट में आपको वीनेक मिलती है एंड इस तरह के सीक्वेंस के वर्क एंड जरी वर्क मिलते हैं। बैक साइड भी आपको सेम सीक्वेंस एंड जरी वर्क मिलते हैं, और ये आप देख सकते हो बॉटम में आपको बहुत ही अच्छे लटकन मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो। बैक साइड भी आपको सेम मिल जाएगी, एंड इसमें आप देख सकते हो कहीं कहीं पे ना आपको गोल गोल बूटे जैसी ना सीक्वेंस एंड जरी के वर्क मिलते हैं, जो कि फ्रंट में है और बैक में भी है। ओके, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इस हॉल की बेस्ट आउटफिट यूं ही नहीं बोल रही थी, ये काफ़ी खूबसूरत ड्रेस है, इसे आप ट्राई कर सकते हो एंड मीशो से ले सकते हो। मीशो की कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड अगर आप मीशो से नहीं लेना चाहते मेरे से लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लेकर आ सकते हो आप, हाँ आपको सारी डिटेल दी जाएगी। ओके, तो ये थी आज की कलेक्शन, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। ओके, तो चलिए मिलती हूँ मैं इसी तरह की हॉल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग गाइस।